तो मेरे पास है एक बायोस्टर, बायोस्टर का 945 GC माइक्रो 775, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस बोर्ड में देखो एक सिंपल प्रॉब्लम है और इसका सलूशन आप कैसे करोगे, इसका प्रॉपर सलूशन करने के लिए क्या चाहिए। और ये बहुत सारा लोग ऐसा प्रॉब्लम के साथ अगर इस टाइप का बोर्ड आता है, इस टाइप का मीन्स मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, तो वो कभी कभार क्या है रिटर्न कर देता है। और कुछ कुछ लोग है तो इस बोर्ड में भी आप जुगाड़ कर सकते हो, मतलब जुगाड़ आपको अगर पिन आउट पता है तो आप ऑब्वियसली जुगाड़ कर सकते हो। और इस चिप का अभी जो मैं प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ पहले देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, उसके बाद पहले ही बता दिया तो वीडियो क्लोज कर देंगे बहुत सारा लोग। तो ये देखो बज्जर लगा हुआ है, एक बार ऑन होके ऑफ हुआ है, अभी ध्यान से देखना है बोर्ड को। ये बीप किया, डिस्प्ले आ गया। एक सेकेंड, मेरा मॉनिटर लगाना पड़ेगा एक बार। ये फिर से रिस्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो फिर से देखो बीप किया, फिर से डिस्प्ले आया और VGA पोर्ट को लगाता हूँ तो देखते हैं। ये देखो फिर से रिस्टार्ट हो गया, ये देखो फिर से बीप आया। तो अभी कभी कभार 2-3 सेकंड बाद, कभी कभार 10 सेकंड बाद, पर रिस्टार्ट कंटिन्यूसली ये हो रहा है। तो फिर से ये रिस्टार्ट हुआ है, डिस्प्ले अच्छा ठीक है। ये देखो ये हो क्या रहा है, ये जो है अभी मॉनिटर पे थोड़ा सा फॉलो करो, डिस्प्ले है ये रिस्टार्ट नहीं हुआ अभी भी। तो कभी कभार ये फिर से रिस्टार्ट हो गया, ठीक है। ये देखो फिर से कोड लेना चालू हो गया, ये देखो फिर से बीप किया, आवाज़ आ रहा है, फिर से ये डिस्प्ले आउट होगा। ये देखो डिस्प्ले आउट हुआ है, यहाँ पर भी कोड देख सकते हो, ये देखो ये फिर से रिस्टार्ट हो गया, यहाँ पर चला गया। ये देखो फिर से बीप किया, अभी भी डिस्प्ले आया नहीं। ये देखो बास्टर आया है, ये देखो फिर से रिस्टार्ट देखते हैं, हाँ रिस्टार्ट हो गया। ये फिर से बीप किया, मतलब ये कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है बार बार। ये देखो कार्ड देखो, ये 65 अभी डिस्प्ले रुका हुआ है। ये देखो फिर से ये रिस्टार्ट हो गया, मतलब कंटिन्यूसली ऐसा डिस्प्ले आ रहा है। और ये देखो फिर से आया है और रिस्टार्ट हो जाएगा। तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, तो कंटिन्यूसली ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो ये है बोर्ड, तो कंटिन्यूसली ऐसा ही हो रहा है। तो इसका सलूशन क्या है, जो अभी मैं फ़ोन को थोड़ा सा घुमा लूँ या फिर समझा दूँ। तो इसको मैं VGA को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ तो थोड़ा सा समझ जाओ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है हमारा, ये जो बायोस चिप है इसके वजह से हो रहा है, ठीक है। ये जो बायोस चिप आप देख रहे हो ये ME बायोस है, और ये जो बायोस है इसका टोटल पिन आता है, इधर पे 7 पिन मिलेगा, इधर पे भी 7 और इधर पे 9, इधर पे 9, टोटल 32 पिन्स का ये बायोस होता है। और ये फिनिक्स चिपसेट है। तो अभी देखो ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है और इसके वजह से ही इसका बायोस जो है, मतलब रिप्रोग्राम बहुत सारा लोग जो है कर नहीं पाते हो और बोर्ड रिटर्न जाता है। और ये बायोस 945 3141 सीरीज़ में बहुत सारा बोर्डों में ये दिखा जाता है, ऐसी टाइप की सॉकेट आता है बोर्ड में। तो इसका सलूशन क्या है, आप अमेज़न पे ये इजीली ये जो सॉकेट है आप परचेस कर सकते हो, 1200 से लेके मतलब 900 से लेके 1200 तक इसका एक सॉकेट आता है। और बाकी अगर आपके पास, आप अगर RT809H यूज़ करते हो तो उसमें तो इनबिल्ट होता है। तो देखो इसका एक ही काम है, ये जो चिप है इसका एक जुगाड़ होता है, मतलब बाईपास, आप पिन आउट निकाल के इसको नॉर्मली एडाप्टर से, जो प्रोग्रामर से आप प्रोग्राम कर सकते हो इस चिप को। इसके लिए आपको पिन आउट ज़रूरी है। तो अगर इसका रिक्वायर रहा तो नेक्स्ट एक वीडियो में इसका पिन आउट कैसे निकाल के, मतलब 4 पिन में इसका कनेक्शन डालना है, बाकी सारा पिन जो छोड़ देना है आपको, और आप इजीली इसको रिप्रोग्राम कर सकते हो ऐसी टाइप की बायोस चिप को। और तो अभी फ़िलहाल जो है मेरे पास ये प्रोग्रामर है, एडाप्टर है सॉरी, ये देख सकते हो ये जो एडाप्टर आता है, ये एडाप्टर आता है PLCC32, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये फोकस क्यों नहीं ले रहा है, कैमरा ख़राब हो गया मेरा। PLCC32 लिखा हुआ है, ये जो एडाप्टर का ये मॉडल नंबर है।
तो ऐसी टाइप के अगर सॉकेट आपके पास है तो इजीली आप क्या करोगे, तो पहले तो इसको रिमूव करना है आपको। एक सेकंड, ऐसे मैं काम नहीं कर पाऊँगा, फ़ोन को थोड़ा सा घुमा देता हूँ, होल्ड करो। फ़ोन को मैं थोड़ा सा घुमा दिया, अब क्लियर देख सकते हो। तो इसके लिए आपको ये जो बायोस चिप है इसको रिमूव करना होगा सॉकेट से। आप आराम से करो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करोगे तो ये चिप जो है, इसका सॉकेट जो है, ये ख़राब हो सकता है और बाद में आपका चिप सपोर्ट भी नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये है हमारा चिप, देख सकते हो ये एमई बायोस है और 32 पिन्स इसमें है। तो इसको हम इजीली, ये जो प्रोग्रामर है इस पर डाल देंगे और ये जो सॉकेट है इसमें डाल देंगे। ये सॉकेट अगर आपके पास है तो ये चिप आप किसी भी प्रोग्रामर से रिप्रोग्राम कर सकते हो, पर इसके लिए ये 3.3 का रिक्वायर है, पर इसके लिए आपको चाहिए ये वाला सॉकेट। तो सिंगल पीस सॉकेट आप अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हो, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी बायोस प्रोग्रामर लेने की सोच रहे हो, तो मैं भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा लेट हो तो भी अच्छा, पर RT809H ही परचेस करो। और अगर आपका बजट का इशू नहीं है तो SVOD4 ले सकते हो, पर उसमें एक प्रॉब्लम है, आपको बहुत सारा एडाप्टर जो है ये नहीं मिलेगा। वो RT809 iFixit का जो प्रोग्रामर है उसके साथ, वो अगर आप कहीं से भी परचेस करो तो उसके साथ 31 पीसेस एडाप्टर मिल जाएगा, जो कि आपका सारा बोर्ड में लगभग आपको काम चल जाएगा, जितने भी सॉकेट है। सिर्फ एक सॉकेट उसमें नहीं आता है, WSN4 का जो बायोस, मतलब मॉस्फेट वाला दिखने वाला, अभी जो लेटेस्ट बायोस आता है, मतलब ऐसी टाइप का जो बायोस आता है WSN4 बोलते हैं उसको, उस सॉकेट को। तो ये जो बायोस है वो बायोस, आप एक ही अडाप्टर आपको उसमें मिसिंग होगा, ये अडाप्टर बाहर से आप परचेस कर सकते हो। हालांकि प्राइस तो 200-300 है, पर मार्केट मतलब शॉप वालों ने इसका इतना भाव बढ़ा के रखा है, 200 का अडाप्टर 2000-3000 प्राइस करके सेल कर रहा है मतलब ऐसा ही कुछ है। तो चलो, ये एक दिन कम हो जाएगा इसका प्राइस, WSN4 का जो अडाप्टर है। तो अभी इसमें सिंपली डालेंगे और इसको मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेता हूँ, इसको रिप्रोग्राम करके फिर लौटता हूँ। ठीक है, तो फाइनली ये हो गया। एक सेकेंड, तो ये मैंने रिप्रोग्राम कर डाला इसको। और आपको अगर बायस रीडिंग आता है तो इसका बायस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और मिल भी जाए तो काम आए या ना आए वो डिपेंड करता है बायस कहाँ से आप ले रहे हो। पर आपको अगर बायस एडिटिंग आता है या फिर आप कोर्स करते हो, तो आप इजीली इसका बायस, इसका जो बैकअप बायस है, इसको ही एडिट करके आप इसको ठीक कर सकते हो, मीरीजन को क्लीन करके। तो डाला है अभी, बोर्ड में जो प्रॉब्लम था ये ऑन होकर डिस्प्ले आने के साथ साथ ही रीस्टार्ट हो रहा था, मतलब इस बोर्ड में रीस्टार्ट का कुछ इशू था। तो अभी फिर से मैं डिबग कार्ड डालता हूँ और बोर्ड को एक बार ऑन करूँगा और देखूँगा इसका जो रीस्टार्ट वाला दिक्कत है ये गया है कि नहीं। तो टिगर देता हूँ, टिगर दे दिया, चल के ही ये ऑफ हुआ है। ये बीप किया है, डिस्प्ले आ चुका है पर कोड जनरेट नहीं हो रहा है। अच्छा चलो, कौन सा स्लॉट पे डाला था, ये वाला या ये वाला, स्लॉट का इशू हो सकता है। और बीप करने के बाद अभी तक रीस्टार्ट हुआ कि नहीं मुझे भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका कोई कोड नहीं आ रहा है। तो मैं डिस्प्ले पे एक बार देख लेता हूँ, अभी भी स्टेबल है। तो एक बार मैं ऑफ करता हूँ बाय फोर्सली और इस स्लॉट पे डालता हूँ, क्योंकि मे बी मैंने इस स्लॉट पे ही डाला था। तो फिर से मैं ऑन करता हूँ और ये फिर से पावर दिया, हाँ इस स्लॉट में कोड ले रहा है। तो देखते हैं ये रीस्टार्ट होता है कि नहीं। बीप किया, अभी डिस्प्ले भी आ गया, तो देखना है हमें बस ये रीस्टार्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये बायोस्टार आ चुका है देखो, और कोड अभी स्टे है।
तो ये इतने तक आ गया, मतलब ये जो मतलब विंडो खुल चुका है, अभी ये रिस्टार्ट नहीं होगा। तो बायस का ही इशू था, मैंने पहले ही बताया कि बायस रिलेटेड केस है, पर हमारा सब्जेक्ट था ये चिप अगर आए तो कैसे आप रिप्रोग्राम करोगे, क्योंकि इसी के चक्कर में बहुत सारा लोग जो है बोर्ड को रिटर्न भेज देते हो। और अगर इस वीडियो में ज़्यादा लाइक्स या फिर कमेंट्स आए तो इस चिप को, ये जो चिप है, इस चिप को आप सिंपली, एक सेकेंड, अभी देखो अभी तक ये चल रहा है, मतलब सॉल्व हो गया। इसी अडेप्टर से ही आप इस चिप को मतलब रिप्रोग्राम कर सकते हो, यहाँ पर कनेक्ट करके मतलब वायर से। बस आपको 8 पिन आपको लेना है, कनेक्ट करना है इस चिप से। 8 पिन का आपको जम्पर वायर से पिन निकाल लेना है, पिन आउट करके। तो अगर रिक्वेस्ट रहा और इस वीडियो में अगर कम से कम 100 लाइक्स अगर आता है, तो इस चिप को कैसे विदाउट विदाउट एडाप्टर, मतलब ये वाला एडाप्टर से, बिना एडाप्टर के ये चिप को कैसे हम रिप्रोग्राम करेंगे, उसका भी एक वीडियो में डाल दूंगा। और जिनको ये एडाप्टर है वो तो इजीली कर लेगा। देखो बोर्ड में अभी भी डिस्प्ले है, बिंदास चल रहा है। और नॉर्मली एडाप्टर से आप कैसे इस चिप को पॉइंट आउट निकाल के मतलब बायस को रिप्रोग्राम करोगे चिप को, तो उसका भी एक वीडियो बनाएंगे अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स आता है तो। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। उससे पहले और एक बार मैं रजिस्टर करके फाइनल हो मतलब हो जाऊंगा कि इस बोर्ड में प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ है कि नहीं। बीप किया, अभी भी आया नहीं डिस्प्ले, तो यहाँ पर आके ही रिस्टार्ट हो रहा था। तो अभी ये जो प्रॉब्लम था हमारा, आई होप कि ये सॉल्व हो चुका है। तो F1 प्रेस करेंगे तो सीधा बूट पे चला जाएगा ये। तो ये देखो अभी भी है स्टेबल और प्रॉब्लम जो है ये 100% फिक्स हो गया। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।